अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेल्दी प्लेट बाय एसएम में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। सर्दियां हैं, सर्दियों में सूप वगैरह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें गर्मा गर्म सूप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। कॉर्न लिए हैं मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है बॉयल किए हुए। उसके बाद मैंने लिया है चिकन, हाफ के जी चिकन लिया था जिसे मैंने बॉयल करके यखनी अलग कर ली और उसका रेशा जो था वो अलग कर लिया। हड्डी वाला चिकन लिया था। कॉर्न फ्लोर 2 से 3 टेबलस्पून चाहिए हमें या हसबे ज़रूरत। सब्ज़ मिर्चें थी तकरीबन 2 अदद थी जिसे मैंने बहुत बारीक काट लिया और उसके बीज निकाल दिया। सिरका चाहिए हमें 2 टेबलस्पून के करीब और उसके साथ ही हमें चाहिए चिली सॉस। चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबलस्पून। सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून चाहिए हमें और इसके बाद चिली सॉस या हॉट सॉस भी 2 टेबलस्पून चाहिए हमें। काली मिर्च चाहिए हमें 1 टीस्पून। नमक भी 1 टीस्पून चाहिए और चिकन पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून के करीब। सबसे पहले हम तैयार करेंगे सॉस। सॉस तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सिरका, उसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम मैंने चिली गार्लिक सॉस और इतनी ही मैंने चिली सॉस इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्ज़ मिर्चें जो थी वो 1 टेबलस्पून सिरके में मैंने उन्हें मिक्स कर लिया। तो अब हम चलते हैं कॉर्न फ्लोर लेके उसमें हम पानी ऐड करेंगे और उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी हम रख देंगे साइड पे उतनी देर के जितनी देर में यखनी जो थी उसे बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है कॉर्न फ्लोर, इसे हम करते हैं साइड पे और इन सारी जो हमारे पास सॉसेजेस वगैरह थी इन्हें हम करेंगे मिक्स और इसी के अंदर हमने काली मिर्च नमक वगैरह भी ऐड कर देना है। बाकी जो बची हुई थी 2 टेबलस्पून हमने ली थी तो बाकी जो बची हुई थी उन्हें हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से और इसे भी मिक्स करने के बाद रख देंगे हम साइड्स पे। देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसे हम करेंगे साइड्स पे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास कॉर्न थे उन्हें हमने लेना है पीस। बहुत हमने इसको चॉप नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा हमने इसको पीस लेना है। जब तक हमारी यखनी बॉयल हो रही थी उतनी देर तक हमारे ये सारे छोटे छोटे काम जो थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छी तरह से हम इसे कर लेंगे। उसके बाद अंडे जो थे वो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, 2 अदद अंडे की सिर्फ हम सफ़ेदी यूज़ करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी बीट करने के बाद रख देंगे। उतनी देर में हमारी जो यखनी थी वो बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो कॉर्न डालेंगे और उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल देना है। दोनों चीज़ें हमारे पास पकी हुई हैं तो इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हमारे पास जो सॉसेजेस वगैरह थी हम वो इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी लिया था 1/2 किलो चिकन में जिसकी मैंने यखनी बनाई है। तो अब ये अच्छे से बॉयल आ रहा है तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर, लेकिन हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे ताकि एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। कॉर्न फ्लोर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कर सकते हैं कि जितना आपको गाढ़ा रखना है आप उसी हिसाब से इसमें डाल दें। और इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च भी टेस्ट कर लें, अगर कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर दें। देखिए फाइनल इसकी लुक, सूप हमारा तकरीबन तैयार है। थोड़ी देर हम इसे हल्की आँच पर पकाएँगे और उसके बाद हमने इसमें अंडा डाल देना है। अंडे की मैंने सिर्फ सफ़ेदी यूज़ की है, जर्दी नहीं की। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। बहुत ही मज़े का सर्दियों का स्पेशल तोहफा गर्मा गर्म सूप जो था वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसे सर्व। खुशबू इतनी ज़्यादा मज़े की आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की। साथ में हम डालेंगे सॉसेजेस जो हमने बनाई थी, सब्ज मिर्च वाली और दूसरी चिली सॉस वाली। उसके साथ तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा
आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।